वेलकम दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा, लॉग इन लॉग आउट करा हमने JWT यूज़ करके। तो आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये लॉग इन लॉग आउट आपने नोट से कराया है, रिएक्ट नहीं करी। तो पहले क्या है, हमने बैकएंड तैयार कर लिया अपना, क्योंकि हमें API तो बनानी पड़ती है कि ये भाई API है, यहाँ से टोकन जा रहा है और ये ऑथराइज होके हमें रिजल्ट दे रहा है और दूसरा हमें टोकन मिल रहा है। तो ये काम तो हमें करना ही था। तो एक ही वीडियो में करता तो बहुत लंबी हो जाती है, तो हमने क्या करा, उसको अलग कर लिया। अब जो फ्रंट एंड का जो पार्ट है रिएक्ट का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर हम उन API को जो हमने बनाई है उनको कॉल करवाएंगे और फिर उसको ऑथराइज़ करेंगे, कोई लिस्ट दिखाएंगे, हम ये वाला काम करेंगे, ठीक है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मेरा क्या था, एक छोटा सा एक एरर था कि हमने क्या करता, यहाँ पर टोकन डाला था और हमें रिजल्ट मिल गया था। तो रिजल्ट तो मिल गया था, लेकिन यहाँ पर हम टोकन नहीं अब डालना, बियरर, क्योंकि टोकन में हम नॉर्मली बियरर डालते हैं, उसके बाद अपना टोकन डालते हैं। रिजल्ट मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक है तरीका, आप ये डालना, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है आपको आगे पता चलेगा कि क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, ये वीडियो, इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ पासपोर्ट को। तो पासपोर्ट क्या, देखो आपने अगर JWT यूज़ करना है तो आप ठीक है, इस वाली वीडियो को स्किप कर सकते हो, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो रिएक्ट की जो मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद हम रिएक्ट ही करने वाले हैं। पासपोर्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग पासपोर्ट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, पूछते हैं कि भाई पासपोर्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो मैं नॉर्मली यूज़ करने वाला हूँ पासपोर्ट, JWT यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं NPM पैकेज, तो आप ये बोल सकते हो ये एक मिडलवेयर है, ठीक है। इसमें भी हम टोकन क्रिएट करते हैं, टोकन पास करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, फिर ऑथराइजेशन करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस करते हैं। भाई इसमें एक जो मिडलवेयर है वो चीज़ आ जाती है, वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम बताते हैं आपको। पासपोर्ट, अब यहाँ पे जाओगे ना पासपोर्ट नोड, ये क्या, हमें पासवर्ड बनवाना नहीं है, ओपन हो जा, यहाँ देख लेता जब तक पासपोर्ट, इसको ओपन करा, ये पासपोर्ट एक तरफ ओपन कर लिया मैंने और एक पासपोर्ट JWT। ये ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही सब यूज़ करने वाले हैं। देखो आपको अगर थर्ड पार्टी API यूज़ करते हैं ना, ट्विटर की होगी, देखो यहाँ पर सब आ रहे हैं गूगल के, तो ये सारी आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़ के अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। घूमे जा रही है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, सब हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कोई नहीं, लेकिन आपको समझाऊंगा अभी मैं कि ये कैसे काम कर रहा है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें भी आपको सेम वही काम करना है JWT का। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वो नॉर्मली JWT समझना चाह रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि हमने क्या करा था। हमने ये एक पैकेज इंस्टॉल करा था JWT का, और यहाँ पर हमारा कंट्रोलर था, और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक टोकन क्रिएट कर रहे थे। जब भी हम सेव करवाते थे, सेव करवाने के लिए हम जो टोकन क्रिएट कर रहे थे उसका हमने यहाँ पर मेथड बना रखा था, जो JWT.sign करके यहाँ पर पैरामीटर कि इस टोकन के अंदर क्या क्या जाना चाहिए वो चीज़ें भेजते थे। उसके बाद हमने एक सीक्रेट की बना रखी थी जो हमारी यहाँ पर पड़ी है ENV फाइल में, जो कि मिनिमम 32 करेक्टर की होनी चाहिए। उसके बाद इसमें देखो आप एक्सपायरी टाइम दे सकते हो, सेकंड में, मिनट में, आवर में, वो आपके ऊपर है कि आपका टोकन कितना टाइम बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारा राउट्स था, उसमें हमने एक मिडलवेयर बनाया था ये वाला, कि हमारा जो कोड है वो हम चेक करते थे कि टोकन जो मिल रहा है वो यहाँ डालते थे हम वेरीफाई करने के लिए, फिर उसके बाद सीक्रेट की डालते थे, फिर हम चेक करते थे भाई कोई एरर तो नहीं है इनवैलिड का या किसी भी चीज़ का एक्सपायर का, तो वो हमें बता देता था यहाँ से। तो ये तो था सिंपल। अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं पासपोर्ट और पासपोर्ट JWT। इसके लिए आप जल्दी से ये करो कॉपी, इन दोनों पैकेज को कर देते हैं हम इंस्टॉल। पासपोर्ट JWT हो गया, मतलब हो रहा है, और एक ही है, और एक ही है, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, देखो ये सारा काम तो यही यही रहना है,
एक सेकेंड, ये जो कंट्रोलर वाला है कि जो क्रिएट कर रहे हैं वो सेम तरीका रहने वाला है, जैसे हम टोकन को गेट कर रहे हैं वो भी सेम तरीका रहने वाला है कि जब यूज़र लॉगिन होगा पासवर्ड को चेक करेगा, यहाँ से पासवर्ड कंपेयर होगा, उसके बाद टोकन क्रिएट होगा, तो ये सारा तरीका सेम रहने वाला है। बस हम जो चेंज करेंगे वो एक अलग फाइल बनाते हैं हम पासपोर्ट की, उसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर कन्फिग में, इसका नाम मैं रख देता हूँ पासपोर्ट डॉट जे एस, ये नाम मैंने रख दिया। अब ये मिडलवेयर है, जब हम इस वाली एपीआई को मैं ऑथराइज करवाने जाऊँगा, जैसे मान लो अभी मैंने टोकन डाल रखा है, इसको मैं करूँगा बेरर, अभी तो बंद पड़ा है, ठीक है, तो इसको करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने नॉर्मली अब जे डब्ल्यू टी वाला मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं कर दूंगा कमेंट कि अब मेरे को ये यूज़ नहीं करना, अब जो ये करना है ऑथराइजेशन वो करनी है मेरे को पासपोर्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हमने देखो दो चीज़ें इंस्टॉल करी हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी अप डॉट फाइल में जाना है, यहाँ पर आपको करना है जो पासपोर्ट है हमारा, पासपोर्ट इक्वल टू रिक्वायर कर लो पासपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक और लाइन लिखनी है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, पासपोर्ट डॉट, पासपोर्ट नहीं, ऐप डॉट यूज़, ऐप डॉट यूज़, उसके अंदर आएगा पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज आएगा बस, ठीक है। ये इतना काम करना है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आपको जाना है अपने राउट में, ये भी मैं बनाऊंगा फाइल को, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। उसके बाद जाना है आपको राउट में, राउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर भी दो लाइनें लिखनी है, पहला यही लिख देते हैं, पासपोर्ट को इंक्लूड करवा लेते हैं, पासपोर्ट इक्वल टू रिक्वायर, मतलब रिक्वायर करवाते हैं, और पासपोर्ट, ठीक है, ये काम कर दिया। उसके बाद यहाँ रिक्वायर करते हैं जो फाइल में अभी बनाने वाला हूँ पासपोर्ट वाले, उसका पाथ बताओ भाई, ये पड़ी हुई है हमारी कॉन्फ़िग के अंदर पासपोर्ट, ठीक है। उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे सेम पासपोर्ट को, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, इतना काम कर दिया। तीसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाना है, तो यहाँ पर जो मिडिल वेयर है उसमें हम लगाएंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटी, आ जा ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब ऑथेंटिकेट आप किससे करना चाह रहे हो, देखो इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखा दूँगा आपको, इसमें आप जाओगे नीचे, कहाँ गया, देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को ये पता नहीं है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें देखो नॉर्मली पासवर्ड लोकल स्ट्रेटजी होती है, हम जे डब्ल्यू टी यूज़ करने वाले हैं, और इनों में क्या होता है, ये तो फॉर्म हो गया, ये राउट हो गया। तो यहाँ पे देखो जैसे आप लॉगिन करवाते हो तो पूछते हो कि भाई कौन सी स्ट्रेटजी आपकी, लोकल है, जे डब्ल्यू टी है या कोई और है, उसमें हम ये पाथ भी दे देते हैं कि भाई सक्सेस हो जाए तो वो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाए, फेल हो तो यहाँ पर चला जाए, ये हो तो यहाँ पर चले जाए। तो ये तीन पैरामीटर तो हम यूज़ करेंगे नहीं, ये बाद में देख लेंगे, अभी सिंपल हम वेरीफाई करते हैं कि जे डब्ल्यू टी हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा सेशन मैं यूज नहीं कर रहा, तो उसको मैं कर दूंगा फॉल्स, कि सेशन भाई कर दो फॉल्स, ठीक है, इतना काम करा, ठीक है जी। अब आ जाओ आप अपने पासपोर्ट के अंदर, यहाँ हमें थोड़ा सा कोड लिखना है, जैसे कि हम यूज़ करने वाले हैं जे डब्ल्यू टी स्ट्रेटजी, स्पेलिंग गलत भी हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, रिक्वायर यहाँ पर लेंगे हम जो दूसरा वाला टोकन यूज़ करा था पासपोर्ट हाइफन जे डब्ल्यू टी, और यहाँ पर है स्टेट आ जाओ डॉट एस, ये आ गया, ठीक है। फिर एक और यूज़ करेंगे हम वेयर टेस्ट, लिख देता हूँ अभी के लिए, रिक्वायर सेम पासपोर्ट जे डब्ल्यू टी डॉट ई करके कुछ होता है इसमें डॉट एक्सट्रैक्ट जे डब्ल्यू टी,
इसको करा कॉपी, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, दो काम हो गए इसमें। अब एक काम करो कि जब भी इसमें क्या होगा, जो टोकन हमें मिलेगा, यहाँ से जो टोकन मिलेगा हमें, ये चल ही रहा है, चलने दो। ठीक है, तो जो टोकन मिलेगा हमें उसमें से हमें क्या निकालना होगा, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी निकाल के डेटाबेस से चेक करना पड़ेगा कि ये ईमेल आईडी भाई एग्जिस्ट करती हुई है नहीं करती, कि कोई और टोकन दे रहा है, कि उस टोकन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब टोकन बना रहे हैं हम, यहाँ पर हम जब टोकन बनता है उसके अंदर हमारी ईमेल आईडी जाती है, फ़ोन नंबर जाता है। इसको आप JWT में जाके साइट में वो कर सकते हो, जो दिखती है ना तीन चीज़ें, उसमें हेडर आता है हमारा, कौन सी अलगो यूज़ हुई है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो, वो मैंने बता रखा है आपको। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मॉडल, हमारा मॉडल है हमारा यूजर्स, यूजर्स रिक्वायर कर लो भाई इस फाइल को, मॉडल को डॉट मॉडल के अंदर यूजर्स। ठीक है, उसके बाद मैं बनाता हूँ फंक्शन, और उसी को साथ के साथ मैं कर दूँगा एक्सपोर्ट कि भाई यहीं से चले जाओ। फंक्शन यहाँ पर उसमें पैरामीटर ही आ रहा था, ये वाला, ये यहाँ से हम पास कर रहे थे ना पासपोर्ट, तो इसी को मैं यहाँ पे जाके यूज़ कर लूँगा, पासपोर्ट ही नाम रख लेता हूँ पासपोर्ट। ये फंक्शन बन गया मेरा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मैं लेता हूँ एक पैरामीटर, लेट पैराम्स, वो ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, उसके अंदर वैल्यू डालनी है, पहली पैराम्स डॉट सीक्रेट की क्या होगी आपकी, सीक्रेट, सीक्रेट और स्पेलिंग गलत होगी क्या, SECRET और की, इसमें मैं डालूँगा जो सीक्रेट की हमने बना रखी है, प्रोसेस डॉट ENV, ये यहाँ पर बना रखी है मैंने, जो लास्ट वीडियो में यूज़ करी थी सेम हम वही यूज़ कर लेते हैं, इसको क्या पता चल रहा है कितनी बार यूज़ करी है हमने ये। और ये हो गया, उसके बाद पैराम्स, इसके अंदर मैं एक और डालता हूँ JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट, जो हमारा जो टोकन है वो रिक्वेस्ट से मिलेगा, उसको लेने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये एक्सट्रैक्ट डॉट, इसमें होता है फ्रॉम, एक मिनट, डॉट फ्रॉम आएगा सर, फ्रॉम हेडर एज बियर टोकन। ठीक है, ये दो वैल्यू डाल दी मैंने, अब यूज़ करूँगा मैं पासपोर्ट को, डॉट यूज मिडलवेयर, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा न्यू JWT स्ट्रेटजी, ये वाले। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे पैराम्स को जो यहाँ पर मैंने बनाए, इन पैराम्स को मैं ऐसे भी कर सकता था, यहीं पर डाल देता ना इस तरीके से, एक ही बात है कैसे कर लो इसको, ये बस थोड़ा समझाने के लिए आपको करा था कि पहले मैंने वो वाली वैल्यू डाली उसके बाद ये डाली। इन लाइन को हटा दो। ठीक है, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई वो नहीं है, तो करने का तरीका है था कॉल। और उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो होगा हमारा फंक्शन, मतलब कॉल बैक, इसके अंदर हमें JWT का पेलोड मिलेगा, और फिर मैं कॉल करूँगा एक अपना नेक्स्ट फंक्शन, मतलब कॉल बैक। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो टोकन मिलेगा यहाँ से JWT वाला, इसमें से हमें ईमेल आईडी निकालनी है, लेट ईमेल आईडी इक्वल टू JWT डॉट ईमेल। ठीक है, अब जो ईमेल मेरे को मिलेगी उसको यूजर्स डॉट फाइंड वन, वहाँ से फाइंड करना है कि ईमेल हमारी यार यही होनी चाहिए जो हमें मिली है आगे से। ठीक है, अगर वो ईमेल हमारी मैच होके मिल जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो एरर आएगा या उसमें कोई डेटा मिल जाएगा हमें, यूजर्स
इफ एरर है उसमें, अगर मान लो एरर होता है तो मैं क्या करूँगा, यहीं से भाई रिटर्न कर दो उस एरर को, और अदरवाइज अगर उसमें डेटा मिल जाता मेरे को जो यूजर था तो मैं उस डेटा को पास कर दूंगा। ठीक है, दो काम ये हो गए, और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ऐसे फॉल्स। ठीक है, इतना काम हो गया मेरा। अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं है, ये मेरा यहाँ बंद हो गया, ये मेरा कहाँ बंद हो रहा है, अच्छा ये यहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा था, अच्छा ये यहाँ हो रहा है। ठीक है चलो, एरर नहीं आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं नोड मॉन ऐप डॉट जे एस, चल जा, कोई एरर नहीं आए। आ गया, बहुत बढ़िया। जे डब्ल्यू टी रिक्वायर है सीक्रेट की, और ठीक है लाइन नंबर नहीं बताई। यहाँ पे क्या टोकन नहीं मिलेगा कि इसको, एक सेकेंड, इसमें कुछ एरर आ गया। पासपोर्ट, चेक करते हैं इसमें क्या एरर आया एक बार। एरर तो आई था, ये है क्यों आ रहा है एरर, टोकन तो आ रहा है यार इसमें, फिर एरर क्यों आ रहा है। ऊपर से देखते हैं कुछ ख़राब हो गया क्या इसमें। न्यू जेलोटी स्ट्रेटजी पैराम्स, ठीक है ये मैंने यहाँ डाल दिया, इसमें सीक्रेट की डाल दी। अच्छा ये होगा यहाँ पे कैप्स में आई थिंक, पोर्ट को बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें दे रखा होगा एक दिन यहाँ पे। अच्छा हाँ ये कैप्स में दिया, यहीं से कॉपी कर लेता मैं। ठीक है चलो, ठीक है तो ये हो गया हमारा एरर सही। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये जब तक कोड में कोई और तो बग नहीं है। नहीं है, अब तो रन करने के बाद पता चलेगा। हाँ पोस्टमैन हमारा रन हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और हो गया। ठीक है अब चेक करते हैं यूज़र की लिस्ट, यहाँ से मैं करता हूँ इसको सेंड। अनऑथराइज बता रहा है, ठीक है अनऑथराइज क्यों बता रहा है ये, पहले एक काम करते हैं टोकन यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। लॉगिन करा मैंने, ये टोकन मिल गया, इस टोकन को लेके जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये कॉपी करा मैंने, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे बी आर एल लिखा मैंने और इस टोकन को पेस्ट कर दिया मैंने, ये सेंड करा मैंने यहाँ से। अब भी अनऑथराइज बता रहा है, क्यों बता रहा है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो हमें क्या मिली है, ये सेंड करा मैंने, अनडिफाइन दे रहा है भाई ईमेल आईडी, तो आई थिंक ईमेल होगा वो। इसका पूरा ही पेलोड करवा लेते हैं कंसोल, ये करा मैंने यहाँ पे। अच्छा हाँ इसमें ईमेल आएगा यार, ये गलत हो गया, ईमेल था ठीक है,
हाँ देखो ये ऑथराइज भी हो गया। अब देखो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने क्या दे रखा था, यहाँ पे टोकन डाल रखा था। अगर मैं टोकन डालूँगा तो अनऑथराइज बताएगा। तो इसमें क्या है, हमें बी एरर लिखना है और ये ऑथराइज हो गया, हमारा डेटा हमारा आ रहा है। देखो यहाँ पे जो टोकन भी करा हमने, क्या ठोकरा है, फ्रॉम एडर एज बी एरर टोकन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या करी थी, यहाँ पर राउट में गए थे, राउट में जाके हमने ये लाइनें लिखी थी। अगर हम मान लो टोकन गलत डाल देते हो, टोकन डाल दिया मैंने गलत, ये सेंड करा तो देखो वापस से वो आ गया ना अनऑथराइज वाला, और सही डाल दूंगा मैं बी एरर, पेस्ट गलत हो गया, ये कॉपी, और यहाँ पे ये पेस्ट, अरे कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, और ये पेस्ट, ये करा मैंने सेंड और ये हो गया ऑथराइज। ठीक है, अब मैं एक बार स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूँ आपको कि मैंने देखो क्या करा था। सबसे पहले आप जाओगे ऐप डॉट जी एस फाइल में, और वहाँ पे मैंने क्या करा, पासवर्ड को लिया, उसको इनिशियलाइज कराया। ठीक है, इतना काम ख़त्म, आपका बंद कर दो फाइल को। फिर आ जाओ राउट पे, राउट पे पासवर्ड यूज़ करो, रिक्वायर करो अपनी फाइल जो आपने बनाई है, वहाँ पे एज ए पैरामीटर पासवर्ड को पास कर दो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, पासवर्ड डॉट ऑथेंटिकेशन, वहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी लिख दो, जी डब्ल्यू टी है। उसके बाद यहाँ पे जो सेशन है वो फॉल्स कर रखा है हमने। ठीक है, फिर आ जाओ पासवर्ड के अंदर, वहाँ पे ये कोड लिख दो अपना। इसमें हमने क्या करा है कि जो ये जी डब्ल्यू टी है, यहाँ पे हमने सीक्रेट की पास करी, जो भी हमारा टोकन आया वो इसने लिया एज ए पैरामीटर, इसकी स्ट्रेटजी में हमने पास कर दिया। इसने क्या करा कि जो हमारा टोकन था उसको एक तरह से उसमें से हमारे हमें चीज़ निकाल के दे दी कि उसमें आपने आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जो भी एक्स वाई जेड थी वो चीज़ें आपने स्टोर कर रखी, और उनको आप ले लो कि जे डब्ल्यू टी पेलोड, ईमेल ले लो, फ़ोन नंबर लेना फ़ोन नंबर भी ले लो, और उसको चेक करो कि ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपके टेबल में एग्जिस्ट करती है नहीं करती मॉडल में। यह हमने मॉडल चेक करा, अगर कोई एरर आता तो मैं एरर दिखा देता, अगर डेटा है तो यहाँ से रिटर्न कर दिया उसको, अगर नहीं है तो फॉल्स कर देता। ठीक है, बस इतना ही काम है, बाकी देखो हमारा काम होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, बाकी वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब नेक्स्ट वीडियो से करेंगे हम रिएक्ट, उसमें हम फॉर्म बनाएंगे और जो भी अब तक हमने काम करा है उसकी ऑथेंटिकेशन करेंगे। अब हमें एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।